नमस्कार, गुड मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती शर्मा। राजधानी शिमला के नगर निगम शिमला के तहत पड़ने वाले कनलोग वार्ड में जब दिल दहला देने वाली एक खबर आती है कि तेंदुआ छोटी सी बच्ची को, जब उसके खेलने कूदने की उम्र थी, उस उम्र में एक तेंदुआ उसको ले जाता है। अभी तो उसने हम कह सकते हैं कि जीवन भी नहीं देखा था कि किस तरीके का जीवन उसने जीना था, लेकिन वो काल का ग्रास बन जाती है। और अभी हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां से तेंदुआ जो है उस बच्ची को लेकर गया। लगभग 5 से 7 साल की वो लड़की बताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि वीरवार रात लगभग 8:30 बजे का समय था। फिलहाल उसकी दादी यहाँ पर मौजूद है। दादी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था रात को? हुआ था जी, यहाँ मैं खाना बना रही थी, लड़की उधर दूसरे घर में गई थी, फिर उधर से आई, फिर दादी सुसु बोली, फिर मैं यहाँ बैठी थी और सुसु करने गई, फिर बाल्टी की आवाज आई, ये लड़की गिर गई बोल के देखने गई तो वहाँ वो दिखाई नहीं दी, फिर एक लड़का आया, फिर उसने दौड़ के आया, उसने देखा तेंदुआ ने खींच के ले गई बोल के बोला। आप देख सकते हैं एक बच्ची जो है वो बाहर जाती है कि मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे सुसु करने जाना है। जैसी यहाँ जाती है उसको शेर जो तेंदुआ है वो अपने काल का ग्रास बना देते हैं। आप कौन लगते हैं उनकी? मैं उसकी, वो बच्ची का मैं बड़ी मम्मी हूँ जी, बड़ी बड़ी भैया जी। मैं दूर रहती हूँ, यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आप बच्ची का अफसोस सोची और दूर से ही मैं बच्चे को तो नहीं देख पाई, लेकिन कम से कम मेरे सास ससुर से मिल सकती हूँ, परिवार से मिल सकती हूँ, कुछ हेल्प कर सकूंगी मैं जी। अभी उनसे भी बातचीत करते हैं जिन्होंने देखा है। क्या नाम है आपका? अजय। अजय अजय, अजय क्या हुआ था? शाम को मैंने देखा ना उधर से चीखा, चीखा जिससे आवाज मेरा आवाज आया जी जी जी, फिर मैं इधर का आया, फिर तेंदुआ जी से लगा, फिर इधर का भगा के ले गया, फिर हमें दौड़ के इधर चल पाए। तो फिलहाल ये तस्वीरें यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके की ये जो है वो घटना रही है। यहाँ पर जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ रोटी बनाई जा रही थी और ठीक उसके सामने ये आप दरवाजा देख पा रहे होंगे, यहाँ बैठी थी, यहाँ दादी इनकी बैठी हुई थी, रोटी बना रही थी, लेकिन ये जो दरवाजा आप ठीक सामने देख रहे हो, यहाँ पर बच्ची बाहर गई और यहीं से ही जो तेंदुआ है उसने जो है बच्ची को अपना शिकार बना दिया और बच्ची को यहीं से ले गया। और जैसे ही सूचना यहाँ पर संजीवनी जन कल्याण सोसाइटी को मिली, उनके तमाम सदस्य उनके जो बच्ची है उनके परिजनों से मिलने पहुंचे, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे।